हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रू नेचर गार्डन। और अभी सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो अभी मैंने अपने गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगाई हैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ और दिखाने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये फूलगोभी के पौधे हैं, यानी कि कॉलीफ्लावर के पौधे। इन्हें मैंने लगभग एक महीने पहले लगाया था और ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं और 10 से 15 दिन के अंदर इनमें फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, कॉलीफ्लावर के पौधे काफ़ी हेल्दी और अच्छा ग्रो है इनका, क्योंकि मैंने इनमें ऑर्गेनिक खाद डाली है, यानी कि प्रकृतिक खाद में मैं इसमें डालती हूँ गोबर। इसके बाद यह है सूर्यमुखी का मिर्ची का पौधा। सूर्यमुखी इसलिए क्योंकि इसकी मिर्चियाँ सूरज की तरफ मुंह करके खड़ी रहती हैं। तो आप देख सकते हैं, इसकी मिर्चियाँ खड़े अवस्था में आती हैं पौधे में, इसीलिए इसे सूर्यमुखी कहा जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है, देख सकते हैं इसकी मिर्ची किस प्रकार ऊपर की साइड मुंह करके खड़ी है, इसीलिए इस मिर्ची को सूर्यमुखी कहा जाता है। इसकी मिर्चियाँ काफ़ी ज़्यादा तीखी होती है। इसमें भी काफ़ी सारे फल और फूल आए हुए हैं, और इसके अलावा भी इसके कई फल और फूल को हमने कई दिनों से यूज़ किया। और ये भी है कॉलीफ्लावर के पौधे। तो मैंने 2 क्यारी कॉलीफ्लावर के पौधे लगाए हैं, और मिर्ची के पौधे मैंने घर में ही बीजे से लगाने के बाद यहाँ शिफ्ट किया है। इसके बाद ये है करेले के पौधे। ये छोटे करेले के पौधे हैं, ये हाइब्रिड करेले नहीं है, छोटे करेले हैं, देसी करेले उनके पौधे हैं। इन्हें भी लगभग 25 से 30 दिन हो चुके हैं लगाए हुए मुझे, और ये अब ये झाड़ पे चढ़ने लगे हैं। आप देख सकते हैं, ये झाड़ पे चढ़ रहे हैं। इनकी भी ग्रो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इनमें भी मैंने ऑर्गेनिक खाद डाला है। इसके अलावा मैंने और भी करेले के पौधे पहले से लगाए हुए हैं, लगभग 3 महीने पहले से उसमें फल आने लगे हैं। और ये मैंने लगाए लगे मैंने पहले, तो ये अभी झाड़ पर चढ़ रहे हैं। इनमें फल आने में अभी 10 से 12 दिन और लगेंगे। इसके अलावा मैंने अभी खेत में लगाए हुए हैं आलू, तो ये आलू की क्यारियाँ हैं। आलू लगाए हुए मुझे लगभग 10 से 12 दिन हो चुके हैं, इनमें आलू के पौधे आने लगे हैं छोटे छोटे। इसमें हम पानी डालेंगे, अब 1 से 2 दिन के अंदर इसमें पानी डालना होगा। इसके बाद ये मैंने 4 क्यारियाँ बना रखी हैं, जिसमें मैं लगाने वाली हूँ धनिया, मिर्च, लहसुन और टमाटर। तो हम इसमें धनिया लगाएंगे 1 क्यारी में लहसुन के पौधे लगाएंगे, 1 क्यारी में टमाटर के पौधे लगाएंगे, और 1 क्यारी में हम मिर्च, इसके अलावा साग भी लगा सकते हैं। तो ये 4 क्यारियाँ मैंने बना के तैयार कर रखी हैं, 1 से 2 दिन के अंदर इसमें हम लगाने वाले हैं काफ़ी सारी सब्जियाँ। इसके बाद आप देख सकते हैं, मैंने बैंगन के पौधे लगा रखे हैं। इन बैंगन के पौधे को लगाए मुझे 1 से 1.5 महीने हो चुके हैं। इनकी भी ग्रो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसकी क्यारी में काफ़ी सारी घास निकल आई है, तो इस घास को हमें रिमूव करना होगा, यानी कि साफ़ करना होगा, क्योंकि इसमें फल और फूल आने लगे हैं। और ये एक आध मिर्ची के पौधे भी लगा रखे हैं, एक आध टमाटर के पौधे भी लगा रखे हैं, तो सभी पौधों में फल और फूल आ रहे हैं। आप देख सकते हैं, टमाटर के पौधों में भी फल और फूल आ रहे हैं। ये टमाटर का पौधा है, इसमें भी पीले पीले फूल आ रहे हैं छोटे छोटे। अब बैंगन के पौधे में भी फल और फूल आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, ये बैंगन के पौधे हैं, इनमें बैंगनी कलर के फूल और बैंगन लगे हुए हैं छोटे छोटे। इसकी घासों को हमें जल्दी ही रिमूव करना होगा, नहीं तो हमारे फल अच्छे से नहीं आएंगे। ये बैंगन के पौधे हैं, घासों के कारण पत्तों को कीड़ों ने खा लिया है, इसलिए घासों को साफ़ करना ज़रूरी होता है। घासों को साफ़ करने के बाद हम इसके कैरी में भी थोड़ा सा ऑर्गेनिक खाद डालेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये मैंने हाइब्रिड करेले का लगा रखा है, करेले की बेल। ये हाइब्रिड करेला है, मीडियम साइज का हाइब्रिड करेला है। इसकी बेल मैंने लगाई थी लगभग 2 से 3 महीने पहले, और इसमें काफ़ी सारे फल और फूल आ रहे हैं। इसके अलावा भी हम काफ़ी सारे फल इससे ले चुके हैं, तो 1 से 1.5 महीने के अंदर करेले का पौधा जो बेल होती है उसमें फल आने लगते हैं। तो अभी भी इसमें देखिए करेले लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं इसमें करेले लगे हुए। इस बेल से हम पहले भी करेले तोड़ चुके हैं,
तो करेले की बेल काफ़ी लंबी है और काफ़ी दूर तक फैली हुई है, क्योंकि हमने इसमें झाड़ नहीं दिया था तो इसीलिए ज़मीन पर ही घासों के ऊपर फैली हुई है। इसके अलावा इसमें हम पानी और खाद डालते रहते हैं और घासों को भी इससे रिमूव करते रहते हैं। तभी बरसात का सीज़न था इसलिए काफ़ी सारी घास आ गई है इसमें। तो आप देख सकते हैं करेले और छोटे छोटे करेले और फल और फूल अभी भी बहुत है इसमें। तो लगभग इससे हम और 2 से 3 महीने करेले ले सकते हैं। ये देखिए इसमें कितने छोटे छोटे करेला भी आए हुए हैं। बेल काफ़ी हेल्दी है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक खाद डाली जाती है। तो ये छोटे छोटे करेले आए हुए हैं। आप भी इसी प्रकार से अपने बागीचे में या अपने घर के पीछे अगर जगह है तो उसमें भी इस प्रकार की सब्जियों को आसानी से लगा सकते हैं। सब्जियों को लगाने के अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको सब्जी किस प्रकार